चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 12 सपोर्ट मटेरियल क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यू, तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एग्जाम आपके पास आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है जी। एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर दे रखा है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 a² इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है, रट लेना इसको। अब हमें क्या दे रखी है, सिर्फ एल्टीट्यूड, हमें सिर्फ हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो ए कैसे निकालेंगे, तो हाइट और ए मेरे एक रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, एच इक्वल टू रूट 3/2 अपॉन मल्टीप्लाई ए। तो ये दोनों फॉर्मूले रट लेना। तो हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, रूट 3/2 ए बाई 2, यहां मल्टीप्लाई गया 2 9 18 और 3 डिवाइड में आ गया, तो ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 18/√3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट 3 का रैशनलाइजेशन, ऊपर भी रूट 3 नीचे भी रूट 3, तो 18√3, ठीक है जी। और नीचे कितना आया हमारा, 3 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, √3√3, तो 3 ही आएगा। तो 3 6 18, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6√3, ठीक है, ए आ गया हमारा 6√3। ये अभी हमने ए निकाला है, बस इसकी साइड्स निकाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, किसका एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 a². तो √3/4 मल्टीप्लाई ए, कितना निकाला है, ए 6√3 निकाला है, साइड हमने 6√3 निकाली है इसका स्क्वायर। तो √3/4 भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, 4 1 4 4 9 36 भाई 9 3 27, ठीक है जी, और एक √3 ऐसे का ऐसा। तो ये आ गया हमारा एरिया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी पे टिक लगा लेना, किस पे, डी पे ऑप्शन पे। सेकंड क्वेश्चन है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 4 5 सेंटीमीटर, देन एरिया विल बी, भाई कैसे निकालेंगे एरिया, बिना हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई किया हम इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखो 3 साइड दे रखी है, 3 4 और 5, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर, इन दोनों को सम कर दूं, तो 16 9 कितना आया, 25, और इसका स्क्वायर करूं 5 का स्क्वायर तो कितना आया, 25। यानी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या पुट करना है एरिया के लिए हमें, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस दे रखी है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें कितनी, 4 सेंटीमीटर, 5 से कोई लेना देना नहीं। तो 2 पे गया, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, ठीक है। ट्रिपल एड देख लेंगे कि हाँ भाई एक पाइथागोरस ट्रिक बना रहा है ये, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला डाल के एरिया निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं मैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, ठीक है, और कंडीशन क्या है कि आइसोसेलेस है, यानी इसकी दो साइड है ना ये इक्वल है। इसकी हाइपोटेन्यूस कितनी होगी, यानी एसी की लेंथ हमें निकालनी है। अगर एरिया कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो साइड इक्वल है, यानी मान लो एक साइड अगर ए है तो दूसरी साइड भी तो ए होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 बेस हाइट, कितना दे रखा है एरिया, 8 इक्वल टू 8, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई ए, दो बेस और हाइट ए सेंटीमीटर ही तो है क्योंकि दोनों सेम आइसोसेलेस दे रखा है हमें, 8 2 8 16, तो और यहां आ गया a² 2 यहां मल्टीप्लाई में 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, √16 = 4 आ गई। अब निकालनी क्या है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे भाई, अब ये 4 आ गई, ये 4 आ गई, तो ac का स्क्वायर, यानी ac जो है हमारा, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ठीक है, तो ac का स्क्वायर आ गया हमारा, ab और bc कितने निकली है हमारी, यानी 4 4 निकली है दोनों, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
फोर का स्क्वायर होता है 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 कितने हो गए, 16 और 16 हो गए हमारे 32, तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 32, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी भाई, AC की वैल्यू आएगी हमारी √32, ठीक है, रूट में 32 AC की वैल्यू आएगी, जगह थोड़ी कम है देख लेना अपना, √32 यानी ऑप्शन नंबर बी। तीसरा भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ इस साइड, सारी लेंथ कितनी होगी, ए ए ए होंगी ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड सेम होती है, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4a², तो √3/4a² हमें कितना दे रखा है 36√3, √3 से √3 कैंसिल, ये गया 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36 × 4, ए की वैल्यू क्या आ गई √36 × 4, तोड़ लो इनको क्योंकि रूट से बाहर भी लाने हमें, 36 को तोड़ेंगे 6 × 6 में, 4 को तोड़ेंगे 2 × 2 में, पेयर बन गया 6 बाहर आ गया, पेयर बन गया 2 बाहर आ गया, तो 6 × 2 = 12 cm, कितना 12 cm ए की वैल्यू आ गई हमारी, यानी कि इसके ईस्ट साइड की लेंथ की वैल्यू आ गई 12 cm। क्या ऑप्शन है कोई, 144, 60, 36, नहीं कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन पे ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बेस ऑफ ए ट्रायंगल फील्ड इज 3 times इट्स हाइट, एक ट्रायंगुलर फील्ड है इसका जो बेस है, ये वाला बेस है, ये क्या है 3 times है किसके, इसके, अगर इसको x मान लूं तो ये 3x हो गया, सिंपल सी बात है, ये 3 गुना है किसके, इसकी हाइट का 3 गुना है भाई बेस जो है, इट्स एरिया इज 13.5 hectare, हेक्टेयर में गड़बड़ी हो गई, हेक्टेयर क्या होता है भाई, हेक्टेयर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो इसको इससे बिल्कुल घबराना मत, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है, अब क्या आ जाएगा ये 3135000 m², ठीक है, मल्टीप्लाई होके, तो हेक्टेयर की जगह हम मीटर स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब इसका बेस फाइंड आउट करना है कि बेस कितना है, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, बेस इंटू हाइट जो दे रखी है हमें, तो 1/2, बेस कितना दे रखा है 3x दे रखा है जी, हाइट कितनी दे रखी है x दे रखा है जी, तो एरिया है और एरिया हमें दे किसके बराबर दे रखा है 135000, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर भाई, क्या ये 2 × में ये डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे का ऐसा, तो 13 × 5000, 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 से काट दो इसको, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 000 ऐसे के ऐसे लगा दो पीछे, अब 45,000 × 2 90,000 होता है, ठीक है 90,000 हो गया जी, अब एक्स √90,000 तोड़ेंगे कैसे इसको भाई, 90,000 को कैसे तोड़ेंगे, तो 3 × 3 = 9 को तो ऐसे तोड़ दिया, और ये जो जीरो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 × 100, पेयर बन गए 3 बाहर वहां से 100 बाहर, तो कितना आ गया हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 300 मीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया था इसलिए मीटर में, तो हाइट तो आ गई भाई 300, ये कितनी है तिगुनी है इसकी, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 3x है बेस, तो 3 × x की वैल्यू आई है 300 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 900 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 32 cm, पेरीमीटर क्या है 32 cm है, रेशो ऑफ इक्वल साइड टू बेस इज 3:2, भाई एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल पता ही होगा तुम्हें, दो इक्वल साइड होती हैं जिसकी, तीसरी अजीब और गरीब अलग हो जाती है, तो पेरीमीटर कितना दे रखा है 32, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब पता है क्या होता है, यहां से स्टार्ट किया चलना, ये गया वापस से उसी पॉइंट पे आ गया, तो मैं कितना चला, तो ए बी और फिर ए, यानी कि पेरीमीटर कितना हो गया हमारा, दो बार तो ए चला और एक बार बी, तो हमें यही 2a + b कितना दे रखा है 32 cm, ठीक है 32 cm। अच्छा और रेशियो क्या दे रखा है, इक्वल साइड जो है उसका बेस के साथ रेशियो, यानी कि ए का ये जो इक्वल साइड है ना, किसी को भी उठा लो, ए को उठा लो इस वाले को, ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, तो ए रेशियो बी कितना दे रखा है हमें 3:2, ये इक्वेशन 1 मान लो अभी, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2a 3b,
तो 2a और 3b, ठीक है, ये इक्वेशन 2, इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन 1, बट 2a की जगह 3b डाल दो, 2a दिख रखा है, तो 3b डाल दिया मैंने, 1b पहले से था, 32, तो 4b कितना आ गया, 32, 4 एकम 4, 4 अठे 32, b की वैल्यू कितनी आ गई, 8, 8 सेंटीमीटर आ गई b की वैल्यू, ठीक है। चलो ये तो आ गया हमारा बेस, अब ये a और a जो इक्वल साइड है ये भी निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, b की वैल्यू है ना इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट b इक्वल टू 8 इन 1, इन इक्वेशन 1, तो 2a ऐसे का ऐसा प्लस में 8 इक्वल टू 32, 2a कितना आ गया 32 माइनस 8 प्लस का है माइनस का हो जाएगा यहाँ जाके, तो 2a आ गया 24, 2 से डिवाइड कर दो 12 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12, तो हमारी साइड्स क्या क्या हो गई, ये तो 12 हो गई, ये 12 हो गई, और बेस कितना हो गया 8, ठीक है 8 आ गया था ना बेस, तो ये हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, एक ट्रायंगल है, सबसे पहले ये बना लो, इसकी थ्री साइड है, ये ये ये, इसको 20 मान लो, इसको 34 मान लो, और लॉन्गेस्ट साइड को मान लो 42, तो इन्होंने क्या बोला है कि हाइट जो लॉन्गेस्ट साइड पर जो हाइट टिकी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सी बात है, ये हाइट कोई भी हाइट होती है 90 डिग्री पे होती है, सीधी हाइट होती है हमेशा, हमें इसकी हाइट निकालनी है आज, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। अब भाई बेस तो दे रखा है 42, हाइट का तो दे नहीं रखा, ये निकालनी पड़ेगी, ना ही एरिया दे रखा है, जो वैल्यू पुट करके एच यहीं रह जाएगा और ये माइनस प्लस जो भी होगा, तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, किस फॉर्मूले से, हीरोन के फॉर्मूले से, ठीक है, तो हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, पता ही होगा, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 42, 34 और 20, जोड़ लो 50, 40, 90, 90 से 96, 96 बाय 2, तो 48 हमारी एस आ गई। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस आया है हमारा 48, ब्रैकेट में 48 माइनस कोई भी साइड घटा दो, 42 घटा देते हैं, 48 माइनस 34 और 48 माइनस 20, भाई कितना आ गया 48, 48 में से 42 गया 6, 48 में से 34 गया कितना बचा 14, 48 में से 20 गया 28। अब आती है बारी, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एरिया है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला ये बन जाता है हमारा एस माइनस ए। अब इसमें देखो क्या रूट से बाहर आएगा, तो इसका सिंपल तरीका क्या करेंगे हम, सबसे पहले 48 है, 48 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ भाई, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 को मैंने ऐसे तोड़ दिया, 6 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 3 दुनी 6, अब देखो 14 के पहाड़े में 28 भी आता है, 14 भी आता है, तो इसको मत तोड़ना, इसको ऐसे 14 को ऐसे कैसा और इस वाले को तोड़ लेना, 14 मल्टीप्लाई 2, अब देखो पेयर किस किस के बन गए, 4 4 के बन गए भाई, 3 3 के बन गए भाई, 14 14 के बन गए भाई, 2 और 2 का बन गया भाई, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मिटा थोड़ा सा रब कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या क्या बाहर आ जाएगा जिसका पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया और 14 बाहर आ गया, अब भाई इन सब की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 336, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया भाई, एरिया, एरिया हमारा निकल गया ना, ठीक है, तो अब इस पे आ जाओ वापस से, तो एरिया क्या होता है हमारा 1/2 इंटू में बी इंटू एच, एरिया मैंने 336 निकाल दिया, अब यहां से एच की वैल्यू पक्का मिलेगी, ठीक है 1/2, बेस कितना है जिसकी हाइट, जो सबसे लंबी लंबा बेस है मतलब लंबी साइड है उसकी हाइट निकालनी है, तो बेस 42 है, हाइट एच है 42 एच, 2 एकम 2, 2 21, अब 21 से मल्टीप्लाई में यहां डिवाइड में जाएगा 336 और 21 एच, भाई 21 एकम 21 काटेंगे इसको आपस में, 21 एकम 21, 21 छिक्के 126, एच आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर, ठीक है,
एच 16 सेंटीमीटर आ गई। तो ये सब करने के बाद हमारा एच आ गया 16 सेंटीमीटर। एक नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा दे रखा है, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस बी है और दो इक्वल साइड हैं वो ए है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो इक्वल साइड होती है हमेशा, ठीक है। तो दोनों इक्वल साइड्स क्या क्या दे रखे हैं, ए ए, और बेस कितना दे रखा है, बी। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सिंपल यार, ए गए, बी गए, फिर ए गए, यानी दो बार तो ए गए, एक बार बी गए, तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो तीसरी साइड की लेंथ क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम भाई, टू साइड दे रखी है हमें, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। टू साइड कितनी दे रखी है, एक 8 दे रखी है, एक दे रखी है 11, सी निकालनी है जो साइड है तीसरी साइड, और पेरीमीटर कितना दे रखा है 32, तो 32, 11 और 8 होते हैं 19, 32 प्लस सी, ठीक है, 19 यहाँ माइनस होगा हो जाएगा सी, कितना आ गया 3, 1, यानी तीसरी साइड कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं किसका एरिया फाइंड करने के लिए, स्केलिन ट्रायंगल का, तो कौन सा फार्मूला होता है वो हमारा, जो स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, कौन सा होता है, तो होता है हीरोन फार्मूला, हीरोइन का फार्मूला, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:1:3, इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। तो भाई तीनों साइड से ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, तो साइड क्या क्या हो गई, लेट साइड, लेट मान लेना, लेट साइड्स 2x, 1x एंड 3x, इन तीनों का पेरीमीटर क्या दे रखा है, यानी 2x, 1x और 3x तीनों का सम कर दूं तो पेरीमीटर कितना बैठ रहा है, 24। भाई 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6x आ गया हमारा 24। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो 4 सेंटीमीटर आ गई x की वैल्यू। लॉन्गेस्ट साइड की निकालनी थी, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 3x वाली है ना, तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी आ गई, लॉन्गेस्ट साइड है ये, तो 3x यानी 3 मल्टीप्लाई x कितना है 4, तो 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया विल बी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है। तो पेरीमीटर क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ए ए ए, यानी 3a हो गया, a प्लस a प्लस a, कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो 3a इक्वल टू 60, कट गया भाई, साइड कितनी आ गई 20-20 साइड आ गई सारी की सारी। एरिया क्या होता है, एरिया निकालना है हमें, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला इसको रट लेना, 3/4 a² तो √3/4, a कितना आया 20 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर, है ना, 20 का स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाई 20, ए 20 आया ना, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 25 × 100, 100√3 cm², ये आ गया हमारा एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर दिस। भाई एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी 1/2, बेस कितना दे रखा है 6, हाइट दे रखी है 3, काट दो, 2 × 6 = 9 cm² हमारा एरिया आ गया, यही निकालना था, एक नंबर का क्वेश्चन था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेस 35 सेंटीमीटर इज इतना, भाई एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है, हमें इसमें एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालनी है, तो एरिया दे रखा है 420 cm², 1/2, और b कितना दे रखा है बेस 35, h निकालना है भाई, ये 2 नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो 2 × 420 और 35 ऊपर था ही नीचे आएगा, ये आ गया हमारा h, काट दो, 35 × 35 = 35, 35 × 70, 12 × 2 = 24, तो 24 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई इसकी, एल्टीट्यूड यानी 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है भाई, तो क्या होगा ये √3/4 a², ठीक है, बार बार इस्तेमाल हो रहा है, यूज में आएगा ये पक्का एग्जाम में। फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज दिस। भाई साइड दे दी, यानी हमें ए दे दी 2√3, एरिया क्या होता है √3/4 a², यानी √3/4, 2√3 है ए,
इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा रूट थ्री बाय फोर। भाई टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, ठीक है, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री, फोर से फोर कट गया, थ्री रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे चलते हैं फट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस इतना है, ठीक है, और हाइट इतनी है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट 1 बाय 2, ठीक है जी, 1 बाय 2 बेस हमें दे रखा है 15 और हाइट दे रखी है 9.8, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो एरिया हमारा क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई 4.9, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, बना देते हैं ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या होता है भाई, जिसकी दो इक्वल साइड हो, तो इक्वल साइड कितनी दे रखी है 13 और 13, ये भी 13 ये भी 13, बेस कितना दे रखा है 24, इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 2 बेस इनटू हाइट, यही होता है। अब बेस तो मिल गया हमें, हाइट हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ड्रॉ कर लिया। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी जब परपेंडिकुलर खींचा जाता है, ठीक है, जो अनइक्वल साइड है उस पर, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 12 और 12, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी जो हाइट होती है, जो तीसरी साइड है, वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, अनइक्वल साइड को, तो 12 और 12। अच्छा, अब यहां से देखो, एक ट्रायंगल ये बन गया, यानी ये 13 ये 12, तो ये साइड कितनी हो गई, हाइट कितनी हो गई, हाइट निकल जाएगी यहां से, क्योंकि हाइट भी तो चाहिए ना भाई, हम 1/2 बेस की जगह तो हम क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे, हाइट भी तो चाहिए, इसलिए हाइट निकालने के लिए प्रोसीजर हो रहा है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, यानी 13 का स्क्वायर किसके सम के बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के बराबर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, हाइट का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, क्योंकि 12 का स्क्वायर यहाँ माइनस में चला गया। अब आ गया हमारा 25 और एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रूट इसके ऊपर चढ़ गया, तो 5 सेंटीमीटर हमारी एच की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ 5 लिख देंगे, अब 5 सेंटीमीटर इसको बाद में करना है, ये पैरेलल समझा रहा हूँ मैं। 12 पे गया 24, बचा क्या, 12 पंचे 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट, क्योंकि बेस इनटू हाइट होता है, हाइट इस प्रोसीजर से निकालना है पाइथागोरस की ट्रिक लगाकर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है भाई, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसकी साइड निकालनी है, इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती है, तो क्या इनके बीच में संबंध क्या है, संबंध यही है रूट थ्री बाय टू ए इक्वल टू एच, ठीक है, और एरिया क्या होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना, रूट थ्री बाय टू ए, एच कितना दे रखा है 6, तो रूट थ्री बाय टू ए इक्वल टू 6, 2 यहां मल्टीप्लाई 3 नीचे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2 6 12, रूट तीन नीचे, रैशनलाइजेशन कर सकते हो रूट थ्री ऊपर भी और रूट थ्री नीचे भी, रैशनलाइजेशन ऐसे करते हैं जो नीचे होता है उसको ऊपर और नीचे एक बार ली, तो 12√3 नीचे √3 √3 की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे कितना आएगा भाई 3 आएगा, 3 1 3 3 4 12, तो कितनी आ गई साइड हमारी 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सारी साइड 4√3 4√3 4√3 आ जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a यूनिट, पेरीमीटर क्या होता है, ए बी सी तीनों साइड का सम, ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, अगर पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारी साइड्स क्या दे रखी है 2a 2a 2a, जोड़ दो भाई तीनों को 2a 2a और 2a डिवाइड बाई 2, सेमी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, क्योंकि कितना आ गया 2 2 4 2 6 6a डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3a आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो फटाफट से अगली वीडियो लेके आता हूं मैं, धन्यवाद आपका।